प्रैक्टिस सेट 02 हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेट 1 पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, लगभग 3000 लोग उसको देखे हैं और काफ़ी सारे कमेंट आए हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता, तो अभी भी मैं रात को 11 बजे के अराउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। अगर आप देखो तो 10:52 हो रहे हैं। दिन में मेरे ऐप पर बैचेज होते हैं, उसे भी मैं क्लास लेता हूँ, तो मेरे 2-3 बैचेज होते हैं, चलते हैं। और भी SSC के लिए भी क्लासेस देनी होती है, फिर भी मैं रात को 11 बजे एक क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी आपके दोस्त यार तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC GD का कर रहे हैं, चाहे वो SSC CGL का कर रहे हैं, चाहे वो बिहार SSC का कर रहे हैं, बिहार दरोगा का कर रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, BPSC का कर रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जो कि बिहार का है जिसका वो तैयारी कर रहे हैं, उसके पास शेयर करो। क्योंकि जो आपके कमेंट्स होते हैं और जो व्यूज़ होते हैं ना, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। उसे देखकर कि हाँ, हमारे लिए इतने सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, इतने सारे लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, ये सब देख के हमें दोबारा आने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, आके क्लास लेना ही लेना है। तो आप लोग अपना काम शिद्दत से करो और मैं अपना काम पूरी शिद्दत से करूँगा। अभी मेरा टारगेट है कि मैं वीक में 2 क्लासेस पोस्ट करूंगा इस चैनल पे, बिहार योद्धा पर। अगर आप लोगों के रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे कमेंट रिसीव किया और चैनल पे सब्सक्राइबर भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने पहला क्लास दिया था तो सिर्फ 50 लोग सब्सक्राइबर थे, अभी 250 लोग के आसपास है। अगर तेज़ी से सब्सक्राइबर भी बढ़े तो मैं वीक में 3 क्लासेस कर दूंगा, 3 क्लासेस। अगर उसके बाद आपके और ज़्यादा डिमांड रहे, काफ़ी सारे लोग रहे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्लास कर दूंगा। लेकिन अभी मैं 3 क्लासेस ही प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, मेरे को बोलना हो तो मैं बोल दूँ कि आपके लिए 3-3 घंटे लाइव पढ़ाऊँगा और फिर मैं कल से ना आऊँ। जितना मेरी लिमिट है उसी लिमिट के अनुसार बोलूँगा। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मेरे पास और भी काम रहता है। एज ए ऑलरेडी सेट कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं SSC CGL टॉपर रहा हूँ, मैं 3 टाइम्स मैथ्स टॉपर भी रहा हूँ, तो मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी रहती है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए, अगर आपके रिस्पांस बहुत अच्छा हो तो 3 क्लासेस इन अ वीक कर दूंगा। अभी 2 क्लासेस हम लोग करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पहला सवाल आपके सामने है, प्रैक्टिस सेट है। एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा पेपर होता है वो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव बेस्ड का मतलब है कि हमारे पास आंसर गिवन होता है, सारे सवाल गिवन होता है, उसमें से हम लोग को एक जो सही है, जो राइट है, उसे सेलेक्ट करना होता है। अब ऐसा सेक्शन है मैथमेटिक्स जहाँ पे आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 100% का मतलब है कि अगर 25 सवाल पेपर में आते हैं तो आप 25 में से 25 सही कर सकते हो और उस दिन सीना ठोक के बोल सकते हो कि मेरे यहाँ पे तो 25 फिक्स हैं। या फिर 10 सवाल आपके पेपर में है तो आप ये श्योर हो जाओगे कि ये 10 के 10 मार्क्स मेरे फिक्स हैं। क्योंकि एक ऐसा सेक्शन होता है जिसे सॉल्व करने के बाद आपका करेक्ट आंसर आता है और वहीं भी पता चल जाता है कि मेरे ये 2 मार्क्स कन्फर्म हुआ। ये चीज़ें GS में नहीं होती, GS में थोड़ा डाउट बना रहता है। इस वजह से आपको मैथ्स की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, इतने अच्छे से कि जो 10 मार्क्स है वो आपके लिए बोनस मार्क्स है, जो 25 मार्क्स है वो आपके लिए बोनस मार्क्स है। और बोनस मार्क्स ऐसे मार्क्स है जहाँ पर जो लोग थोड़ा सा थोड़ी से के लिए पीछे हो जाता है ना, 2 मार्क्स के लिए हो गया, 6 मार्क्स के लिए हो गया, 8 मार्क्स के लिए हो गया, वहीं पर आप अच्छा रैंक बना जाओगे, अच्छी पोस्ट पा जाओगे। वैसे रैंक का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता नहीं है छोटे पेपरों में। आ जाओ सवाल को सॉल्व करो। क्या बोला गया है मेरे भाई, साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,600 हो जाती है? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अमाउंट इंक्रीज फ्रॉम 8,000 टू RS 12,600? एक होगा इसका बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच ये होगा, मेरा मिश्रधन ये है, मेरा मूलधन ये है, तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा? मेरा ब्याज होगा 12,600 -8,000, जो कि आएगा 4,600। तो एक बेसिक तरीका होगा कि इंटरेस्ट बराबर होता है P×R×T/100, जहां पर इंटरेस्ट मेरा 4,600 है, जहां पे प्रिंसिपल मेरा 8,000 है, जहां पे रेट निकालना है मुझे और टाइम 5 ईयर है, और नीचे 100 होगा।
इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आपके चरणों में आ जाएगा। चलो काटा कुटी करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जी हाँ, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, जी हाँ, 5 से काटा, ऐसे करते हैं ना, ऐसे काटते नहीं है, 5 से ऐसे करते हैं, 5 × 8 = 40 आर, 460 = 40 आर, 0 से 0 खत्म, आर बराबर हो जाएगा 46/4, 11.5% करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? जी सर। ये हुआ आपका एक बेसिक अप्रोच, जो कि अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी मैथ सीखा होगा वो इस तरीके से इस सवाल को कर लेगा, कि पहले वो सिंपल सा इंटरेस्ट निकालेगा और फिर वो सॉल्यूशन कर देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक होता है टॉपर्स वाली सोच, एक होता है रैंकर्स वाली सोच। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी पेपर को टॉप किया हूं, तो हमारी थॉट सिर्फ ये नहीं होती है, हमारी थॉट इससे ऊपर होती है। ऐसे तो सभी सॉल्व करेंगे, आपको ऐसा नहीं बनना है। आप कैसे करोगे, देखो मैं बोला ये 8000 से 12600 हुआ, जी हाँ, मैं इसका रेशियो काट लूंगा, ये 0 से 0 कट गया, जी हाँ, ये 8 से काटा कितनी बार गया, 8 से काटा तो ये 100 बार गया, और ये जब 8 से काटा तो 8 × 8 = 4 बचा, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40, 100 से 157.5 हो गया 5 साल में। मैं इसको रेशियो काटा, 100:157.5 हो गया 5 साल में। अब ये 5 साल में कितने बढ़ रहा है, 57.5, 5 साल में 57.5 बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, रेशियो काटो, 1 साल में बढ़ेगा 5 × 5 = 25, 1 साल में जो बढ़ रहा है 11.5 बढ़ रहा है, 11.5 100 पे बढ़ रहा है तो 11.5% से बढ़ेगा। क्लियर है? अब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, टाइम की कमी नहीं होती है, आप एस मेथड से भी करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप इस रैंकर्स अप्रोच से करोगे, एक टॉपर्स अप्रोच से करोगे तो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। सवाल यू है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि अगर दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका गुणनफल, गुणन मतलब गुणनफल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 315 है, दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात करिए। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 36 एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज 315, देन फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। अगर मैं इसको बेसिक से सिखाऊं तो बेसिक अप्रोच क्या होगा, मान लेते हैं दो नंबर ए और बी है, मैं बोला एक नंबर ए है एक नंबर बी है, तो ए प्लस बी क्या होगा, 36। वो खुद ही बोला है दो संख्याओं का योग 36 है। मान लेता हूं दो नंबर ए और बी थे, तो ए और बी का गुणनफल क्या होगा, ए इंटू बी बराबर होता है 315। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, खुद बोला है दोनों के बीच का निरपेक्ष अंतर बताइए। अगर आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है तो एक लाइन में कर दोगे, और फॉर्मूला क्या होता है कि जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी होता है। हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, मुझे ए प्लस बी का वैल्यू पता है 36 का स्क्वायर, मुझे ए इंटू बी का वैल्यू पता है 4 × 315, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और इसको मल्टीप्लाई किया 4 × 3 = 12 × 5 = 60, 4 × 3 = 12 और 15 × 4 = 60, माइनस किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा 36 आ गया। मैं नीचे लिखता हूं, मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर 36 आ गया, तो ए माइनस बी क्या आएगा, 6, अंडर रूट 36 = 6। क्लियर है? ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसानी से, बहुत बेसिक तरीके से सीख गए, बट आई ऑलरेडी सेड कि ये जो होता है मेरे लाल, मेरे भाई, ये बेसिक तरीका होता है, ऐसे आपको सीख के
ऐसे सभी लोग सिखाते हैं और सभी लोग करते हैं, लेकिन आप अभिषेक ओझा से पढ़ रहे हो, अभिषेक ओझा एक टॉपर है, रैंकर है, तो कुछ तो अलग सिखाएगा ना। एक सीबीआई ऑफिसर से पढ़ रहे हो, तो क्या डिफरेंस होता है एक अच्छे पोस्ट वाले आदमी से सीखने का, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अगर आप जनरल किताब देखोगे तो शायद ये अप्रोच मिल जाए, ये फॉर्मूला मिल जाए, लेकिन मैं एक हमेशा थॉट बिल्ड करता हूँ जिससे पेपर टॉप किया जाता है, जिससे पेपर पास किया जाता है, जिससे पोस्ट पे बैठा जाता है। जनरली देखते हो लाखों लोग तैयारी करते हैं, करोड़ों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरी नंबर्स में गिने चुने का होता है। मैं उस गिने चुने में आपको लाने के लिए जो चीज़ सिखाता हूँ वो इम्पोर्टेंट होता है। अब वो गिने चुने में आने का अप्रोच देखो, मेरे से बोला गया ना कि दो नंबर का सम जो था 36 था, दो नंबर का प्रोडक्ट जो था 315 था, दो नंबर का डिफरेंस जो था बताना था, सवाल यही बोला गया है। जी हाँ, अब मैं आपसे बोलूं, मैं इस 315 को टारगेट किया और इसको फैक्टराइज करना शुरू किया। फैक्टराइज करना समझते हो, गुणनखंड। मैं 315 को गुणनखंड कर दिया। ये क्या है, 5 एकम 5, 5 5 6 31, 5 3 15, ये 5 × 7 × 3 × 3 है, फैक्टराइज हो गया। अगर मैं इसको गुणनखंड कर दिया तो 3 × 3 9 7 63 × 5 315। अब मैं देखता हूँ इसमें ए और बी क्या हो सकता है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये 5 3 15 और ये 7 3 21, 15 और 21 को जोड़ा तो कितना आया 36, और 15 और 21 को डिफरेंस देखा तो कितना आया 6। ऑप्शन देखा 6 मिल गया, काम खत्म, मजा आया। इस तरीके से आपको सवाल को करना होता है। अब मेरे को नंबर दिखा, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई है। अगर ये दो नंबर का मल्टीप्लाई है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, तो आप कैसे करोगे? बस मैं वो दो नंबर खोज लूंगा, इजीली मेरा आंसर आ जाएगा। अब कल को अगर ये पूछ देता कि वो दोनों नंबर पता लगाएं, तो काफी लोगों की हालत खराब हो जाती। अगर मेरे से सवाल में ये पूछता कि वो दोनों संख्याएं क्या थी, संख्याएं निकालने में, अब यहां से एक बार फिर इक्वेशन सॉल्व करता दोनों का, फिर वो निकाल पाता, लेकिन मैं सीधा दोनों संख्याएं निकाल दिया एक सेकेंड में। इसे बोलते हैं टॉपर्स अप्रोच या रैंकर्स अप्रोच। आइए अगले सवाल को सीखते हैं। अगला सवाल है आपका, बोला है दो संख्याओं का अंतर 840 है, यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 840, इफ 5% ऑफ वन नंबर इज 15% ऑफ अनदर नंबर, देन फाइंड बोथ द नंबर। मैंने क्या सिखाया, देखो अभी खाना खा के आया हूं जस्ट, तो थोड़ी सी ना मुंह खुलने लग रही है, कोई बात नहीं, सवालों को सीखना। मैं आपको क्या सिखाया कि आपके सवाल में पेपर ऑब्जेक्टिव, आपका पेपर में सवाल ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, आपको आंसर चूज करना होता है। प्रीवियस ईयर का सवाल है, पेपर का आया हुआ सवाल है, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इस सवाल को करना था। अब मेरे पास ये सवाल आया, बोला दो संख्याओं का अंतर 840 है, आगे का स्टेटमेंट कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बार ऑप्शन देखा, इस दोनों का अंतर 840 है क्या, नहीं सर। इस दोनों का अंतर 840 है क्या, नहीं सर। इस दोनों का अंतर 840 है क्या, नहीं सर। सिर्फ इसी दोनों का अंतर 840 है, खत्म। हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, हमें आंसर सेलेक्ट करना होता है, वो भी चार ऑप्शन दिए होते हैं, तो मेरे सॉल्व करने की क्या जरूरत। कई सवाल तो मेरे को उल्टा पुल्टा तरीके से सॉल्व कर लूंगा, जैसे आपको देखो इस सवाल को भी मैं उल्टे पुल्टे तरीके से कर लिया, ये तो बेसिक तरीका है, बेसिक आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आंसर निकाल लूंगा। इसको भी मैं रेशियो मेथड से कर लूंगा, आओ इसे मैं बेसिक से सिखाता हूँ, रेशियो मेथड से सिखाता हूँ, आप रेशियो मेथड से सीख लोगे। मान लेते हैं जो दो संख्या था वो ए और बी था, ए और बी का डिफरेंस 840 था, बोला है ए का 5%, ए का 5% 5% ऑफ ए बराबर है बी के 15% के, 15% ऑफ बी, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से काटा 3 बार, बी को नीचे लाया तो ए बटे बी क्या आया 1/3। मान लिए जो ए है वो 1x है और जो बी है वो 3x है। अब मेरे को
बी के जगह पे 3x उल्टा लिख दिया था, ए के जगह पे 3x, 3/a, ए को मैं 3x ले लिया और बी को 1x ले लिया, मैं ए के जगह पे 3x और बी के जगह पे 1x पुट कर दिया, यहाँ 3x पुट किया, 3x माइनस एक्स बराबर हो गया 840, 2x बराबर हो गया 840, एक्स बराबर हो गया 420, और जैसे x 420 आया मतलब b का वैल्यू आ गया 420, a का वैल्यू निकाल लूँगा 420 इंटू 3 1260, और a खुद ही b खुद ही x है तो b का वैल्यू 420 है, मुझे ये दोनों का वैल्यू मिल गया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ आंसर बताना होता तो मैं इजीली आंसर बता लेता। क्लियर? जी सर। अगले सवाल को सॉल्व करो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो गया हूँ। अगला सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। सवाल है, एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिन में पूरा कर भर देता है, परंतु टंकी के पेंदे में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है, तो छेद का कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी। अगर मैं आसान भाषा में सिखाऊं तो कोई एक टंकी होगा कुछ यूं। जी सर। इस टंकी में मान लो यहां से कोई पाइप भर रहा होगा पानी, यहां से कोई पाइप भर रहा होगा पानी। अब हुआ क्या, ये अकेले 40 दिन में भर दे रहा था इस टंकी को, लेकिन पेंदी में कोई छेद हो गया, मान लो यहां से छेद हो गया और यहां से पानी गिरने लगा। जब ये ऊपर से भर रहा है नीचे से गिर रहा है, ऊपर से भर रहा है नीचे से गिर रहा है, तो 20 दिन ज्यादा लग रहा है, परंतु टंकी के पेंदे में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है। मतलब पहले ये 40 दिन में अकेले भर रहा था, लेकिन जब ये भर रहा है और ये गिर रहा है तो 60 दिन में भर रहा है। तो आपको बताना है कि अगर छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी, तो आधा खाली करने में ये छेद कितना टाइम लेगा। सवाल ये है, सवाल समझ गए? जी सर। मैं बोलू अकेला पाइप भर रहा था 40 दिन में, जी सर, पाइप प्लस जो होल था जिसको हम लोग होल इंग्लिश में लिखे हैं, ये दोनों मिलके कितने दिन में भर रहे थे, 40 और 20, 60 दिन में। अगर मैं बोलू कि इसका एलसीएम जो होगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक होगा, 40 और 60 का एलसीएम निकाल लो। अगर आपको बिल्कुल एलसीएम का बेसिक भी नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल लो, 20 से भागा दे दिए, 20 दूना 40, 20 दिया 60, और जो उत्तर आ गया 20 गुणा 2 गुणा 3 120 आ गया एलसीएम। अगर आपको फास्टेस्ट तरीका आता है तो सीधे आप क्या करो, 60 का पहाड़ा पड़ा, 60 दूना 120, 40 का मल्टीपल मिल गया। क्लियर? जी सर। अब मैं इनकी क्षमता निकाल लिया, पाइप की क्षमता थी 40 दिया 120, और पाइप प्लस होल का क्षमता था 60 दूना 120, ये दोनों मिलकर सर क्षमता कम कैसे हो गया। कम ऐसे हो गया कि पाइप 3 से तो भर रहा था लेकिन होल 1 से खाली कर रहा था, होल इज अ नेगेटिव, वो निकाल रहा है तो नेगेटिवली काम कर रहा है, ये -1 से काम कर रहा है। मेरे से बोला गया कि छेद के कारण टंकी आधी खाली कितने दिन में हो जाएगी, टंकी की पूरी क्षमता कितनी है 120, टंकी की आधा क्षमता कितना होगा 60, और इसे खाली कितने से करना है, 1 के स्पीड से, 60/1, 60 दिन में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मेरे को भी लोगे तो मैं खड़ा हो गया हूं। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। बोला है 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। ऐसे सवालों में जनरली गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, इसके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 150। चलिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होता है। देखो एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि जनरली मैं जब क्लासेस लेता हूँ तो मैं कोई रैंडम इरेलीवेंट बातें नहीं करता हूँ,
लाइक कि गाना गाना, मोटिवेशनल बातें करना, शायरी वाली बातें करना मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं सिखा रहा हूँ तो चीज़ों को सिखाऊँ, चीज़ों को बताऊँ, कोई भी शायरी और कोई भी इधर उधर की बातें ना करूँ। अगर आप एक बार सीख लोगे फिर मेरे से मिलना, मैं हंसी मजाक करूँगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं क्लास लेते टाइम हमेशा मैं एग्ज़ाम, पोस्ट, रैंक, टॉप कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे होना, इसी के ऊपर फोकस रहता हूँ और कुछ नहीं, और कोई बातें नहीं करता। तो इस बात से अगर किसी लोग को बुरा लग रहा है कि सर आप बिल्कुल मोटिवेशन नहीं देते, तो सॉरी हम लोग ये बातें नहीं करते। मैं सीरियस टीचर हूँ, मैं सीरियसली चीज़ों को सिखाता हूँ, आराम आराम से धीरे धीरे सिखाता हूँ। अगर आपको कष्ट है किसी चीज़ से तो आप ना देखें, अगर आपको लगता है कि नहीं जो मैं सिखाता हूँ इससे आपको बेनिफिट होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त को शेयर करें और देखें। मैं इसी एटीट्यूड से शांति से धीरे धीरे ही चीज़ों को सिखाऊंगा। हो सकता है मैं बात करके मोटिवेशनल लाइन ना बोलूँ, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप पढ़ोगे सीखोगे तो नौकरी आपकी हो जाएगी, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, मैथ्स आप सीख जाओगे, ऐसा मैथ सीख जाओगे कि चार लोगों को आप बैठा के सिखा दोगे। सही है ना? आ जाओ हम लोग सीखते हैं। हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या होता क्या है? प्रकृति संख्या वो संख्या होती है जो प्रकृति की तरफ से हमें मिला है। प्रकृति की तरफ से हमारे क्या मिला? वन से हुआ, कि जैसे हम लोग बोलते थे रावण के कितने मुंडी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक मिला था। मतलब जो संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाता है वो है आपका प्रकृति संख्या। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? जब वो संख्याएं कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गया, अब उसके बाद मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे बिहार के ही एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने एक नंबर दिया जिसे कहते हैं हम लोग जीरो। तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हुई और जब पूर्ण संख्या मिला तभी जाके हमारी जरूरतें खत्म हो गई, नंबर्स कंप्लीट हो गए। नहीं तो 9 के बाद हमारे पास नंबर नहीं थे। 9 के बाद का नंबर बना 10 और 10 से 11, 12, आगे 20, फिर 30, नंबर फॉर्म होना शुरू हुआ। ठीक है, समझ गए ना? तो रावण के 10 मुंडी कहाँ से आए? कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, उस टाइम तो आर्यभट्ट हमारे थे ही नहीं। तो आप दो चीजें समझ गए। अब आप एक चीज और सीखो। मैं आपसे बोला लेस देन 10, इसका मतलब है 10 से छोटा, 10 से छोटा। मतलब आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते। अगर 10 से छोटा पूर्ण संख्या बोला, मतलब 10 से छोटा होल नंबर बोला, तो आपको 0 भी लेना है। अगर 10 से छोटा प्रकृति संख्या बोला, नेचुरल नंबर बोला, तो आपको 0 नहीं लेना है। क्लियर? अब उस सवाल पे आ जाओ। यहां पे बोला है 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। मतलब आपको कहां से उठाना है? 1 से, 1 2 3 4, कहां तक? 149 तक, इसका औसत बताना है। अब आपको मैं एक चीज और सिखा दूं। कोई भी नेचुरल नंबर का जो औसत होता है ना, अगर मैं आपसे बोलूं 1 प्लस 2 प्लस 3, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा, तो आप सिर्फ याद रख लेना n+1/2। अब यहां पर क्या बोला गया है कि 149 नेचुरल नंबर का औसत बताओ। आप अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप क्या करोगे, 149 + 1/2, खत्म, 75। अगर आपको ये याद है 149 + 1/2, 150 / 2, 75। क्लियर? जी सर। कल को अगर सवाल पूछे आपसे पेपर में, अब ये सवाल तो 150 आएगा नहीं फिर से रिपीट होके, वो डेटा चेंज करेगा। कल को अगर बोले सवाल कि 250 से छोटा सभी पूर्ण संख्याओं का औसत बताएं, पूर्ण संख्या बोला हूं होल नंबर, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 249 तक,
बताना है। अब ध्यान से देखो, 0 से लेकर 249 तक टोटल संख्या कितने हुए? सर 1 से लेकर 249 तक 249 हुए और एक 0 हो गया, टोटल 250 हो गए। तो अब मेरा जो औसत बनेगा वो ये बनेगा, 250 प्लस 1 बटे 2, 251 बटे 2। अगर मैं ये बोलूं ये होल नंबर के लिए था, ये होल नंबर के लिए था, और अगर नेचुरल नंबर की बात हो तो ये होगा। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। इस सवाल को सॉल्व करो। इस सवाल के तो पीछे आपके बिहार के एग्जाम्स में एक सवाल सेट करने वाला इस सवाल के पीछे ही पड़ गया है, इस फॉर्मूला के। मैं आखिरी क्लास पढ़ाया था जो कि पहला क्लास था, उसमें भी सिखाया था कुछ सवाल, जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, उसी तरीके से कुछ सवाल दिखाने के कुछ और करने के कुछ और होते हैं। सवाल पढ़ो, वृत्त की त्रिज्या में 3% से वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल की वृद्धि बताएं। मुझे वृत्त, मुझे सर्कल, मुझे उसका एरिया, मुझे उसका क्षेत्रफल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर दिखाने की क्षेत्रमिति का सवाल है, करने के लिए परसेंटेज का एक छोटा सा फॉर्मूला का सवाल है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। आखिरी क्लास में भी सिखाया हूँ, सीधे पुट कर दो, 3% से करना है इंक्रीज बस। तो 3 + 3 + 3 इंटू 3/100 कितना हो गया? 3 + 3 = 6 और 3 × 3 = 9, 0.09, 6.09% से इंक्रीज होगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे मूव करें, आसान सवाल था। जी सर चलिए अगला सवाल, टाइम एंड वर्क का बेसिक सा सवाल है, करो। आप बोला है ए और बी मिलकर 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं और बी अकेले 25 दिनों में, तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कोई भी सवाल आपको ऐसे रैंडम फिल्मों टाइप नहीं देखना है कि मूवी चल रहा है एकदम मारधाड़ एक्शन प्रेम कहानी हो रहा है, गाड़ी चल रही है भाग सिमरन भाग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको पेपर और पेन लेकर बैठना है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है। हर सवाल पॉज करो वीडियो को, सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो, फिर आप सॉल्यूशन देखो। ए और बी साथ में 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी इसे 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, बी इसे बोल रहा है 25 दिन में कंप्लीट कर लेगा, खुद बोला है कि ए और बी मिलके इसे 20 दिन में कर सकते हैं, बी इसे 25 दिन में कर सकता है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हुआ? 100। 20 × 5 = 100, 25 × 4 = 100। अब ए प्लस बी मिलके 5 के एफिशिएंसी से 5 के क्षमता से कर रहे हैं, बी अकेले 4 के क्षमता से कर रहा है, और बी जब 4 के क्षमता से कर रहा है तो ए इसे 1 की क्षमता से कर रहा है। जी हाँ, तो ए की क्षमता कितनी है? 1। काम कितना है टोटल वर्क? 100। किसको काम करना है? ए को। कितना काम करना है? 100। तो 100/1, ए इसे 100 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, बेहद ही आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, वही वाली चीज है, बहुत हल्का सा सवाल है। पेपर में सवाल हार्ड नहीं आते हैं, पेपर में सवाल आसान आते हैं, बट वहां पे थोड़ा प्रेशर होता है, वहां पे थोड़ा नर्वसनेस होता है, वहां थोड़ा माहौल अलग होता है, तो आदमी डर जाता है। इस सवाल में देखो क्या है, कुछ लोग इसमें डर जाएंगे तो 64 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर निकालना शुरू कर देंगे, जबकि उन्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सवाल है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर है 28, 64 - 36, 64 + 36 बराबर है 28। 64 से 36 किया क्या होगा? घटा के देखो, 14 से 6 = 8 और 5 से 3 = 2 = 28। 64 में 36 = 100, ये किसके बराबर है? 28। जेड बराबर क्या आएगा? 28 100/20,
जीरो से जीरो खत्म, दो से काटा, 140 बार में कट गया, मतलब जेड का जो वैल्यू आया 140 आया। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका परसेंटेज का सवाल, जो कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है, उसे करना है आपको। सवाल पेपर के पूछे गए ही हैं, कोई भी सवाल इधर उधर के नहीं है, सारे सवाल एग्जाम के सवाल है, एग्जाम के सवाल को ही हम लोग कर रहे हैं। आ जाओ इसे करो। किसी संख्या 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? इफ अ नंबर इज 30% इज एडेड टू 49, द सेम नंबर इज ऑब्टेंड, देन द नंबर इज, कोई भी नंबर 100% होता है खुद में, कोई भी नंबर खुद में 100% होता है। जैसे ये जो है 100% है, मैं जो हूं 100% हूं। अब मेरा गर्दन काट के तुम ले गए तो मेरा कुछ परसेंट ले गए, मेरा दोनों हाथ काट के तुम ले गए तो वो कुछ परसेंट ले गए, बोले नहीं मैं पेट लेके जाऊंगा, तो वो समथिंग परसेंट ले जा रहे हो। जैसे यहां पे था, किसी संख्या 30% को 49 में जोड़ने पर, अब 30% था इसमें, 49 जब जोड़ा गया तो वो संख्या खुद मिल गया, मतलब फिर से 100% बन गया, फिर से 100% बढ़ गया। तो अगर मैं बोलूं 30% में मैं क्या ऐड करूंगा कि 100% बनेगा, तो बोलोगे सर 70%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 30% को इधर लाए तो 100% माइनस 30%, 70% बराबर है 49। अगर मैं 7 से काट दूं तो 7 7 49, 10% बराबर है 7 के। अगर मुझसे कोई पूछे 100% किसके बराबर होगा, तो 70 के, 100% बराबर होगा 70 के। इट मीन्स जो नंबर है वो 100% है और 100% का वैल्यू है 70। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे सवालों को तो मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा, सॉल्व करके दिखा दूंगा। चलो एक सवाल एलसीएम एचसीएफ का। फ्रैक्शन बेस्ड एलसीएम का सवाल है, 2/4, 5/6, 10/8 का लसअपह क्या है? एलसीएम ऑफ 2/4, 5/6 और 10/8। आपको मैं एक बात सिखाता हूं, आ जाओ। मैं आपको बात ये सिखाऊंगा आज की, जब भी आपको एलसीएम पूछा जाए और जब भी आपको एचसीएफ पूछा जाए फ्रैक्शन बेस्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मेरे से बोला जाए कि एलसीएम ऑफ ए बाई बी, बी बाई सी ना, सी बाई डी लिख दे रहा हूं, सी बाई डी, ई बाई एफ, तीन फ्रैक्शन में नंबर है, तीन भिन्न में नंबर है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका जो एलसीएम आता है वो आता है एलसीएम ऑफ लघुत्तम समापवर्तक ऑफ ए बी सी, ए सी ई, जो कि ऊपर के तीनों है, ए सी ई, और महत्तम समापवर्तक ऑफ एच सी एफ ऑफ बी डी एफ। अब मेरे से पूछा गया था कि 2/4, 5/6 और 10/8 का एलसीएम क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, 2, 5 और 10 का एलसीएम निकाल लूंगा और 4, 6, 8 का एचसीएफ निकाल लूंगा। मैं इसका एलसीएम निकाला 2, 5, 10 का, तो एलसीएम 10 आ गया। इसका एचसीएफ निकाला तो 4, 6, 8 का एचसीएफ 2 आ गया। एचसीएफ निकालने आता है ना, ऐसे कर लो 4, 6, 8, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, उसके बाद वो किसी से नहीं कट रहा है, 2 एचसीएफ हो गया। 2, 5, 10 में मैं देखा तो इसे जब मैं 2 से काटा एक बार में गया, ये 5, ये 10, जब इसे मैं 5 से काटा तो ये एक बार में गया और ये एक बार में गया और ये दो बार में गया। तो आसान भाषा में 2 × 5, 10 से दोनों कट रहे हैं, काम खत्म हो गया। ये तो बहुत आसान है, 5 से ये तो बहुत आसान है, इसको मैं कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान है एलसीएम। मेरा जो इसका आंसर आया 10/2 आया, 10/2 को जब मैं काटा तो 2 × 5 = 10, 5/1 आया, जो कि ऑप्शन 4 था। कल को आज ये लसअपह पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, कल आपसे एचसीएफ पूछ दे ऐसे ही नंबर देके, तो आप क्या करोगे? उसका भी फॉर्मूला लिख लो
कि एच सी एफ ऑफ अगर एक्स बाई वाई, एच सी एफ ऑफ एक्स बाई वाई, जेड बाई डब्ल्यू और पी बाई क्यू, ऐसे तीन नंबर देके पूछे क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, एच सी एफ पूछा है तो ऊपर वाले का एच सी एफ, एक्स जेड पी का और नीचे वाले का एल सी एम, वाई डब्ल्यू क्यू का। क्लियर? जी सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है। टाइम एंड वर्क से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जल्दी से करो। टाइम एंड वर्क बहुत आसान भी है, बहुत जल्दी सीख भी जाओगे आप लोग। बोला है एक्स 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है, वाई 60 दिनों में 60% काम कर सकता है, जेड 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, तो कौन पहले पूरा काम करेगा। एक्स 1/5 काम को 10 डेज में कर रहा है, ये एक्स है। जो वाई है वो 60% काम को 60 डेज में कर रहा है, डेज नहीं लिखते सिर्फ 60 लिख देते हैं, और जो जेड है वो 1/3 काम को 12 दिन में कर रहा है, यही बोला है ना। हाँ, अगर मैं बोलूं कि एक्स कंप्लीट एक काम को कितने दिन में करेगा, 5 यहां ले जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो कंप्लीट एक काम बराबर होगा 5 × 10 = 50 डेज में। अगर मैं बोलूं वाई 60% काम 60 दिन में कर रहा है, तो 1% काम 1 दिन में कर रहा है, तो 100% काम 100 दिन में करेगा। तो जो y कंप्लीट कर रहा है काम को वो कितने दिन में कर रहा है, 100 डेज। जी हाँ। और जो z है 1/3 काम 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 12 × 36 दिन में। अब आपको z 36 दिन में कर रहे हैं, y 100 दिन में कर रहे हैं, x 50 दिन में कर रहा है, तो पहले कौन कर रहा है, z। इट मीन्स z विल कंप्लीट द वर्क सबसे पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका रेशियो का सवाल है, करने का कोशिश करो। फोर टू दी पावर 3.5 रेशियो 2 to the power 5 का अनुपात क्या होगा। एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है कि अगर मैं बोलूं a^m है, तो इसे a^m (n) लिखेंगे। अब यहां था 4 to the power 3.5, तो 4 to the power 3.5 को मैं पहले ऐसे लिखा, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर हो गया 3.5, तो ये क्या हो गया 2 के पावर 2 × 3.5, तो ये क्या हो गया 2 के पावर 7, ये हो गया 2 के पावर 7। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अब मेरा ये 2 के पावर 7 हो गया, तो मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया 2 के पावर 7 / 2 के पावर 5 का रेशियो क्या होगा, यही पूछा गया ना। इसका मतलब इधर 2 7 बार है, कुछ यूं है 2 7 बार, 3 3 6 1 7, और यहां जो है 2 5 बार है, तो 5 बार से 5 बार खत्म हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 बार, 2 का स्क्वायर / 1। या फिर आप इस फॉर्मूले को भी लगा देते कि अगर a^m / a^n है, तो ये बराबर होता है a^m − n/1। तो ये सीधा आप बोल सकते थे 2 के पावर 7 और 2 के पावर 5 था, तो ये 7 − 5/1 हो जाएगा, तो ये भी 2 के पावर 2/1, मतलब 4/1, ऑप्शन 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप चीज़ों को सीखते जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पेपर कब पास करके। लेकिन वहीं पे जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी बहन जरा सा भी घबराएगा, जरा सा भी हड़बड़ाएगा कि मैं 4 दिनों में नौकरी ले लूँ, मैं 10 दिनों में नौकरी ले लूँ, मैं तो आया हूँ अब मैं छाती फाड़ के नौकरी ले लूँ, ऐसे नौकरी नहीं होता है। नौकरी सीखने से होता है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, चीज़ों को लिखते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, जितना मैं बोलूँगा सिर्फ उतना को ही सुनते जाओगे, क्योंकि मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ,
एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पेपर पास करने का। एसएससी के द्वारा कोई भी पेपर केंद्र सरकार में जो नहीं हुआ है, सारे के सारे मैं पास किया हूँ। सेंट्रल पुलिस ऑफिसर जो कि सीपीओ का पेपर होता है, जिससे दरोगा बनते हैं लोग, वो मैं दो बार पास किया हूँ, छोड़ दिया था नौकरी। सीएचएसएल जो कि क्लर्क लेवल पोस्ट है, उसे भी मैंने पास किया है। सीजीएल जो कि ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, जिसमें ऑफिसर्स हायर होते हैं, वो भी मैं पास किया हूँ। तो मैं सारे पेपर पास किया हूँ, तो मुझे पता है कि तसल्ली से जब आप धीरे धीरे पेपर को पढ़ते जाते हो, किताबों को सीखते जाते हो, पढ़ते जाते हो, नोट्स बनाते जाते हो, तो आपकी नौकरी हो जाती है। लेकिन जो जहाँ घबराता है, नौकरी से उतना ही दूर होते जाता है। इस सवाल को अब आप करो आराम से, तसल्ली से। तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, जबकि यदि दो संख्याओं का एक साथ लिया जाए हो तो गुणन का योग 131 है। अब इस भाषा को समझो, संख्याओं का योग क्या है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री नंबर्स इज 138। तीन संख्याओं के स्क्वायर का सम 138 है। मैं बोला तीन संख्या मेरा ए बी सी था, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर 138 है। उनके गुणन का योग 131 है। गुणन मतलब मैं बोलूं कि गुणन ए और बी का गुणन, बी और सी का गुणनफल प्रोडक्ट, और सी और ए का गुणनफल, इसका सम 131 है। तो आपको संख्याओं का योग बताना है, मतलब आपको ए प्लस बी प्लस सी बताना है। इसको मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, एक बेसिक तरीका और एक हाई लेवल तरीका, बारी बारी से सीखेंगे। देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो बस आप इस सवाल को देखोगे और सॉल्व कर दोगे कि आपको ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पता है, आपको दो पता है, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पता है जो कि 131 है। मल्टीप्लाई हुआ 138 प्लस 2, 13 दूना 26, 2 एकम 2, 262, दोनों को जोड़ा, ये 400 के बराबर आया। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 400, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट 20, स्क्वायर रूट ऑफ 420। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अब देखो, आपको अगर मान लो फॉर्मूला नहीं याद है, ये फॉर्मूला आप भूल गए, तो आप इसे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, आप c को 0 पुट कर दो। जैसे आप c को 0 पुट किए, खत्म हो गया। यहाँ सी जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो गया, यहाँ सी जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 138 पता है, आपको ए बी 131 पता है। अब आप कर लो, क्या दिक्कत है? अब आप कर लो, अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो फिर से वही चीज़ें आएगी, चीज़ें नहीं बदलेगी। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 262, और फिर से आपका 20 आंसर हो जाएगा। लेकिन बस यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हर बच्चे को याद होता है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखने में शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बस इतने का ही डिफरेंस है। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। करो, इस सवाल को करो। बोला है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25 से 40 से 56 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 13 शेषफल हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स अ रिमाइंडर 13। पहला काम, इसका बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको 25, 40 और 56 का एलसीएम ले लो, और जो भी इसका एलसीएम आए उसमें 13 जोड़ दो, वही आंसर आएगा। अब मैं 25, 40, 56 का बेसिक तरीके से एलसीएम लेता हूँ, प्योर बेसिक, इससे बेसिक तो नहीं लिया जा सकता है। वैसे आप सर्च करोगे ना कि एलसीएम बाय अभिषेक ओझा सर, तो एक रेशियो मेथड से मैं एलसीएम सिखाया हूँ यूट्यूब पर, वो आपको मिल जाएगा। एलसीएम बाय अभिषेक ओझा सर सर्च करना, फास्टेस्ट तरीका मिल जाएगा। इसको इस तरीके से करोगे तो 5 5 25, 5 8 40, ये 56 हो गया। 8 से फिर से डिवाइड कर दो, 5 की 5 हो, 8 एकम 8, 8 7 56। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 8 इंटू 5
इंटू सेवन, 5 8 40, 4 5 20, 2 7 14, 1400 एलसीएम हो गया, और इसमें 13 ऐड कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा 1413। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। फिर आप एक टॉपर से पढ़ रहे हो, आप एक ऑफिसर से पढ़ रहे हो, तो थोड़ी सी आपकी टेक्निक, आपकी अप्रोच अलग होगी अलग लोगों से और लोगों से। क्या मुझे पता है कि इसी चारों में से कोई आंसर है? जी हाँ, मुझे पता है। किसी ऑप्शन को डिवाइड करूंगा तो उसी से शेषफल 13 आएगा। जी हाँ, अगर मैं बोलूं कि 25 से किसी संख्या को डिवाइड करूं, जहां पे 13 ऑप्शन है आंसर आएगा। 40 से उसी संख्या को डिवाइड करूं, जहां पे 13 शेष आए वही आंसर होगा। जी हाँ, अब 40 से कोई संख्या से डिवाइड करूंगा, 40 से किसी संख्या को डिवाइड करूंगा जिसका इकाई अंक 3 होगा, वही आपको 13 ऑप्शन देगा शेषफल। एक ही ऑप्शन था, टिक कर दो। अगर ऐसे भी आपको करने का मन है तो कर लो। मैं एक एक ऑप्शन उठा लूंगा, 1400 को एक बार डिवाइड करके देखूंगा तो 1400 तो सबसे कट गया, तो फिर मैं एक बार 1413 जब उठा के देखूंगा तो उस केस में 13 रिमाइंडर हर बार आ जाएगा। ऐसे आप 40 का यूनिट डिजिट 0 था, इसको देख के एक ही बार में आंसर टिक कर सकते थे। सिर्फ आपको इकाई अंक देखना था कि इकाई अंक 13 इसी का है जो कि 40 से शेषफल देगा। क्लियर? एक सवाल बहुत ही इजी सा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करना कोशिश करना, नहीं सॉल्व हो पाए तो कमेंट बताना, नहीं हो पा रहा है सर अगले सेशन में इंक्लूड कर लूँगा। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप कॉमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। आप अपने व्हाट्सएप पर, आप अपने फेसबुक पर, आप अपने टेलीग्राम पर, हर ग्रुप में, हर जगह शेयर करो कि यहाँ पर बिहार एसएससी के लिए, ऐसा नहीं कि इररेलीवेंट इधर उधर की बातें, रैंडम चीज़ें सिखाई जाती है, नहीं, परफेक्ट चीज़ें सिखाई जाती है। वही सिखाया जाता है जिससे पेपर पास हुआ जाता है, वही चीज़ें होती है जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप हर जगह शेयर करो, और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, शेयर करने के लिए बोलो, लाइक करने के लिए बोलो, और पसंद आता है तो कॉमेंट करो। सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं अभी के लिए। टाटा, बाय बाय सभी को।